can't wait to leave this town, cause daily I've been feeling down. हाँ तो भाई लोगों कैसे हो यार, तो मैं लेके आ जाऊंगा तुम्हें लेक और वीडियो जिसमें हम बनाएंगे एक इंट्रो जैसा कि तुमने प्रीव्यू में देख ही लिया है। तो इसको बनाएंगे हम एंड्रॉयड में काइंड मास्टर और अलाइट मोशन में। अलाइट मोशन का इतना काम नहीं है, काइंड मास्टर से ही बनाएंगे, तो काइंड मास्टर का ही देख लो। और काइंड मास्टर सबको चलाना आता है, तो चलो इसे बनाते हैं, जल्दी से बनाएंगे। और इसकी जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में होगी जो कि इसमें मटेरियल रिक्वायर्ड रहेगा, तो चलो चलते हैं फिर। हाँ तो यहाँ पर 16:9 का रेशियो ले लेना है और यहाँ पर एक ब्लैक स्क्रीन ले लेनी है और जो मैंने अल्फ़ाबेट्स प्रोवाइड कराए हैं पैक में उसको लेयर में लेना है, ठीक है, लेयर में ही लेना। और उनकी जो ब्लेंडिंग है उनको स्क्रीन में करना ज़रूरी है। जो मेरा पहला ट्यूटोरियल था उसमें पूछते रहे कि मेरा ब्लैक एक के ऊपर एक टैक्स नहीं आ रहे, भाई ऐसे नहीं आएंगे, यहाँ पे इसको स्क्रीन करना पड़ेगा तभी आएंगे। तो इसको एडजस्ट कर लेना है, ऐसे स्क्रीन कर देना, ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है इस वीडियो में कि उसको स्क्रीन पर कर देना है। हाँ तो भाई इतना होने के बाद और भी टैक्स अपने एडजस्ट कर लेते हैं। और देखो मैं ई को ले रहा हूँ, अब जो भी आपका अल्फ़ाबेट है उसको आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना। सबसे मेन बात यह है कि इसको स्क्रीन कर देना, स्क्रीन नहीं करोगे तो वो टैक्स आएगा नहीं, ब्लैक स्क्रीन आ जाएगी यहाँ पर। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसको याद रखना। तो मैं ऐसे एडजस्ट कर लेता हूँ जल्दी से। ये वीडियो रेडी हो चुकी है, मतलब कि इसके जो टैक्स हैं वो मैंने सब कुछ एडजस्ट कर दिए हैं, गेमों के नाम लिख दिया मैंने इसमें। तो भाई इसको बनाएंगे अब हम कलरफुल। अब कलरफुल कैसे बनाना है मैं बताता हूँ। देखो जो ये सारी लेयर में है ना, इसको इसके ऊपर क्लिक करना है आपको और यहाँ पर एडजस्टमेंट पर जाके इसके ह्यू चेंज कर देना है। हर टैक्स का जो है उसका ह्यू अलग अलग कर दो, सबका कलर चेंज हो जाएगा। तो चलो करते हैं फिर। इतना होने के बाद इस वीडियो का करते हैं एक्सपोर्ट और चलो फिर देखते हैं। तो अब क्या करना है, 16:9 का रेशियो लेके एक ब्लैक बैकग्राउंड ले लेना है और इसको कर देना है नीचे लेयर में लेके स्क्रीन, स्क्रीन में करना ज़रूरी है ब्लेंडिंग में जाकर। तो उसको स्क्रीन में करना है और इसको देना है एक ट्रांसफॉर्म इफेक्ट। अब वो कैसे आएगा, जूम इफेक्ट आएगा ये। इसको करने के लिए ये इस पर क्लिक करना है लेयर पर और ये जो चाबी बनी है इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे फर्स्ट में एक पॉइंट मानना है और 4 या 4.5 सेकंड के पास एक पॉइंट मानना है। जो फर्स्ट पे है उसको थोड़ा छोटा रखना है और जो 4.5 पर है उसको थोड़ा बड़ा कर देना है, आपका जूम इफेक्ट आ जाएगा। तो चलो करते हैं फिर से। इतना सब होने के बाद इस लेयर में एक और लेयर जोड़नी है जो मैंने ग्लिच फुटेज दे रखी है, उसकी लिंक इन डिस्क्रिप्शन, ठीक है, तो उसे जाके डाउनलोड कर लेना। तो इसको भी जाके लेयर में लेना है, इसको भी स्क्रीन कर देना है और इसको देखो कैसे एडजस्ट करना है। एडजस्ट करने के बाद हम इसका भी कलर चेंज करेंगे। क्या करना है, इसको भी एडजस्टमेंट में जाके इसका ह्यू चेंज कर देना है, इसका कलर ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। तो करते हैं इसको भी। Can't wait to leave this town, cause daily I've been feeling down. अपनी वीडियो लगभग लगभग पूरी ही रेडी है भाई। अगर आप ये वाला स्टेप करना चाहो तो करो, नहीं करना चाहते हो तो मत करो, उस पर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं तो कर रहा हूँ, आपको दिखाना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो मैं दिखा रहा हूँ। तो सबसे पहले कुछ नहीं करना, अपना लाइट मोशन खोलना है, यहाँ पर 16:9 का रेशियो लेना है और यहाँ पर अपना प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट कर लेना है और इस प्रोजेक्ट की डुप्लीकेट लेयर बना के ऊपर वाली लेयर को कर देना है लीनियर डॉच और उसकी ओपेसिटी कर देनी है अराउंड 50 to 55। उसके बाद इन दोनों लेयर को एक ही में मर्ज कर इसमें एक इफेक्ट डालना है, उसका नाम है शार्पन इफेक्ट और उसको कर देना है अराउंड 45 to 50 के। तो इतना होने के बाद इससे क्या होगा, आपकी वीडियो जो है बहुत ब्राइट और शार्पन लगेगी और अच्छी भी लगेगी। उसके बाद कुछ नहीं, इसको एक्सपोर्ट करके सेव करो और इसे यूज़ करो। आज की वीडियो में इतना ही यार, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना और थैंक यू देखने के लिए। चलो फिर बाय।